फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको ऐसे टेस्टिंग बोर्ड के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप होम अप्लायंसेस जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक आयन, मिक्सर, ग्राइंडर, फ्रीज और टीवी के जो भी सर्किट है उसको हम कैसे चेक करके वो ओके है या फिर ओपन है या फिर अर्थ हो गया है। तो हम ये तीनों चीज़ें इजीली ये टेस्टिंग बोर्ड की मदद से उसको चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं फ्रेंड्स यही बताऊंगा। पहले मैं आपको उसका डेमो बता के बताऊंगा कि कैसे उसको चेक करना है, ठीक है, और उसके बाद मैं उसका सर्किट डायग्राम बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परेश और टेक्निकल परेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो आपको एसेसरीज लगेगी उसमें आपको ये, उसको बेटन होल्डर बोलते हैं, ठीक है, ये आपको मार्केट से 30 या 40 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। सॉकेट, ठीक है, 5 पिन सॉकेट चाहिए, ये भी मार्केट से 30 रुपये के अंदर मिल जाएगा। वन वे स्विच, ठीक है, और ये जो दो बल्ब है ये 200 वाट का, ठीक है, और ये 100 वाट का लैंप है। और इसके बाद आपको ये वुडन बॉल चाहिए, ठीक है, और या फिर आप उसकी जगह ये 5A गैंग बॉक्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है दोनों चीज़ों आपको बताने के लिए, तो आप इसका भी यूज़ करके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे सॉकेट आप देख रहे हो, एक स्विच, वन वे स्विच देख रहे हो, और जो ये होल्डर है यानी इसको हम स्विच टाइप लैम्प होल्डर बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप ऐसे ये सिंपल तरीके से भी बना सकते हो या फिर आप इस वुडन बोर्ड में भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक आयन लगा के रखी है, ठीक है। तो हमको ये टेस्टिंग बोर्ड से हमको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल आयन है जो ओके है, ओके होगी तो हमारा लैम्प ग्लो होगा 100 वाट का, ठीक है। अगर इसका कोई भी अंदर का कोई भी कनेक्शन ओपन हो गया होगा तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑन होगा, ठीक है। अगर इसका अर्थिंग शॉर्ट हो जाएगा तो ये हमारा 200 वाट का लैम्प ग्लो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये इलेक्ट्रिक आयन है वो ओके कंडीशन में, इसलिए यहाँ पे हमारा 100 वाट का लैम्प ग्लो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपका अर्थ का टेस्ट बताता हूँ, उसमें अर्थ कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप उसे कनेक्शन देख सकते हो। ये मैंने आपको बताया, ये वाला फेस, ठीक है, और ये वाला न्यूट्रल और ये अर्थिंग का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिक आयन है वो अर्थ हो गई है तो फिर हमारा कैसे होगा वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे जो ये हमारा फेज है उसको मैं ये अभी ओके है, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको चेक करके बताऊँ ये फेज को मैं यहाँ पे शॉर्ट कराऊँ, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ का ब्लो, तो ये हमारा अर्थ का बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अभी ओके है, ठीक है। जैसे ही मैं फेज को यहाँ पे अर्थ करूँगा तो ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक वायर निकाल दिया, ठीक है। ये मैंने अर्थिंग का वायर निकाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने अर्थिंग का वायर निकाल दिया, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो गया है अर्थिंग का वायर, यानी यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो ओपन बता रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इजी तरीके से इलेक्ट्रिक आयन को आप चेक कर सकते हो कि अगर ये ओके है तो आपका बल्ब 100 वाट का ग्लो होगा, अगर ओपन है तो इंडिकेटर ऑन होगा, अर्थ है तो आपका 200 वाट का लैम्प ग्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह कभी मेरे पास एक ख़राब इलेक्ट्रिक आयन है तो हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मेरी इलेक्ट्रिक आयन जो कई दिनों से बंद पड़ी है, तो हमको इसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये डाला, ठीक है, और इसका मीनिंग है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक आयन है ये ओपन है, इसी का कोई भी अंदर से कनेक्शन खुल गया होगा, ठीक है। तो हम इसको इजीली खोल के अंदर रिपेयर कर सकते हैं, कि कोई भी छेड़ा उसका ओपन हो गया तो हम फिर इसको कनेक्ट करके इसको चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टिंग बोर्ड से आप इजीली घर के जो भी अप्लायंसेस है, मिक्सर है आपको, टोस्टर या सैंडविच, कोई भी, इसको इजीली आप चेक कर सकते हो कि ओके है, ओपन या उसका अर्थ है, ठीक है। और अभी मैं आपको उसके सर्किट डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप कुछ भी कनेक्शन नहीं लगाते, कोई भी होम अप्लायंसेस का कनेक्शन यहाँ पे नहीं करते, ठीक है, और ऐसे ही आप स्विच ऑन करते तो आपका डायरेक्ट इंडिकेटर बल्ब ऑन होगा, ठीक है। तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग करने से, यानी उसका यूज़ करने से पहले उसके अंदर कोई भी, यानी आपको इलेक्ट्रिक आयन का लगा होना चाहिए, ठीक है। आपको उसका प्लग ऐसे लगा के रखना चाहिए यहाँ पे, फिर उसको आप स्टार्ट कीजिए तो ही आपको उसके जो भी फॉल्ट है वो आपको बताएंगे, ठीक है।
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसकी होम अप्लाइंसेस की ये टेस्टिंग बोर्ड की सर्किट है। तो सर्किट में मैंने फेस को रेड वायर से बताया, ठीक है, और ब्लैक को न्यूट्रल से बताया, और ये ग्रीन को अर्थिंग से बताया, ठीक है। तो हमारे इस सर्किट में आप देख सकते हो, पहले ही आपका यहाँ पे फेस स्विच में जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका यहाँ से स्विच में होके हुए 5 इंच सॉकेट जो हमने वहाँ पर जाएगा, और सॉकेट से ही हमारा फेस जो तो इंडिकेटर है वहाँ के ओपन में जाएगा, ठीक है। ओपन यानी इंडिकेटर को हम ओपन के लिए रख रहे हैं, यानी उसके वहाँ पर जाएगा, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रल होगा वो हमारे सॉकेट से यहाँ से होके एक हमारा बल्ब में जाएगा, ठीक है, जो 100 वाट का बल्ब लगा रहा है, और दूसरा जाएगा इंडिकेटर के अंदर, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा अर्थिंग है वहाँ से 2 वायर निकलेंगे, एक जाएगा बल्ब के 200 वाट के बल्ब में जाएगा, और जो दूसरा है वो 100 वाट के बल्ब में जाएगा, ठीक है। और जो 200 वाट का हम लैम्प लगा रहे उससे से जो दूसरा उसका छेड़ा वो हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सर्किट है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक चीज़ याद ध्यान रखिए कि आप जब सर्किट बनाए तो आप लिख दीजिए इस तरह से कि जो अर्थ है, तो अर्थ के लिए हमें यहाँ पे 200 वोल्ट का लैम्प लगाना है, ठीक है, और इसके लिए हमको 100 वोल्ट का लैम्प यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता रहूँ बोर्ड के अंदर मैंने कैसे किया कनेक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बोर्ड में देख सकते हो, ये वाला हमारा फेस यहाँ पे स्विच में आ रहा है, ठीक है, और स्विच से पास होके ये सॉकेट में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और सॉकेट से होके ये इंडिकेटर में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर में जा रहे हैं, यहाँ से आपको देख सकते हो, ठीक है। और उसी तरह हमारा जो 5 पिन सॉकेट है वहाँ से होके ये बल्ब के 100 वोल्ट के बल्ब में जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो इंडिकेटर के वहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ पे से बल्ब में जाएगा और फिर यहाँ पे इंडिकेटर में जाएगा, ठीक है। और जो अर्थिंग का है वो आप देख सकते हो, दो जाएंगे, एक बल्ब में जाएगा और एक यहाँ पे 200 वोल्ट के लिए में, यानी अर्थिंग से एक यहाँ पे ये बल्ब के दूसरे टर्मिनल में जाएगा, वहाँ से ये 200 वोल्ट के बल्ब में जाए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये वाला जो है अर्थिंग के और ये न्यूट्रल हमारा, तो हमारे यहाँ पे 200 वोल्ट का लैम्प लग गया, ठीक है। तो और हम लोग को सिर्फ दो ही वायर निकालने हैं, फेस और न्यूट्रल के, ठीक है। तो सिंपल सी सर्किट है फ्रेंड्स, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और मैंने जिस तरह बताया आपको कि आप इस तरह का बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आप फ्रेंड्स। तो ये टेस्टिंग बोर्ड की हेल्प से आप घर के जो भी होम अप्लाइंसेस वो इसको आप इजीली उसका ओपन है या ओके या अर्थ है वो आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी इन्फॉर्मेशन ये आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और मेरी फ्रेंड्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।